नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नीट परीक्षा धांधली मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। 1563 छात्रों को स्कोर कार्ड किया जाएगा रद्द। वहीं छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा, ग्रेस मार्क्स हटाए। एनटीए की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स हटाए गए हैं, दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक होगा घोषित। तो नीट परीक्षा में जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन चल रहे थे, छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया था और साथ ही साथ जिस तरह से ग्रेस मार्क्स देकर धांधली को लेकर जानकारी और खबरें सामने आ रही थी, ऐसे में एनटीए की तरफ से अब कोर्ट के निर्देश के बाद ये जानकारी और बयान सामने आया है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स हटाए हैं। 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। नंबर दिए थे, उससे बच्चों में डिसेटिस्फेक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। तो जिस तरह से नीट मामले में धांधली को लेकर खबरों के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे थे, इस पूरे मामले में एनटीए ने कोर्ट के आदेश के बाद अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एनटीए ने इस बात को लेकर माना है और ग्रेस मार्क्स हटाने की बात की है। लेकिन छात्रों का जहां पर जिस तरह से कहना है, 3 शर्तों पर छात्र बात करते हुए नजर आ रहे, साफ तौर पर उनका कहना है कि बिना जानकारी के एनटीए ने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए और क्या इस तरह की डिस्परेंसीज और भी परीक्षा के दौरान होती हैं, यानी कि जो पारदर्शिता की बात इस परीक्षा में की जाती है कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है। ट्रस्ट के इश्यूज हैं, विश्वास छात्रों का डगमगाया है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी माना था कि परीक्षा की शुचिता पर इसके बाद सवाल उठाए जाते हैं। तो इन तमाम मामलों के बाद जिस तरह से एनटीए को निर्देश दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे, हालांकि काउंसलिंग रोकने और रद्द करने से इनकार किया गया था। देखना ये होगा कि छात्र जिस न्याय की बात कर रहे हैं, जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, उसको लेकर एनटीए की तरफ से अब क्या कुछ होता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ी बैठक, त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर होगी बैठक। सभी एडीजी जोन, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर बैठक में होंगे शामिल। सभी आईजी डीआईजी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसके अलावा डीएम और कप्तान भी बैठक में होंगे शामिल। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी बैठक से जुड़ेंगे। अपर मुख्य सचिव, गृह और डीजीपी भी होंगे शामिल। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ी बैठक। प्रदेश के तमाम आला अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम दिग्गज अफसर, कप्तान और डीजीपी इस बैठक में होंगे शामिल। सभी एडीजी जोन, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर बैठक से जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर होगी बड़ी बैठक। सभी आईजी डीआईजी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। डीएम और कप्तान भी बैठक में होंगे शामिल।
और उसके बाद अगली खबर मेरठ से सामने आ रही है। संगीत सोम का संजीव बालियान पर आरोप, संगीत सोम ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बालियान ने मंत्री के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी, मां पिता ने दो बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी, अपनी कंपनी गाइको से अनुबंध, करोड़ों कमाए। शुगर मिल से कच्चे माल से खाद फैक्ट्री लगाई, सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझेदारी। इसके अलावा संगीत सोम का आरोप है कि चिल्लर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया। कबाल कांड के आरोपी के साथ साझेदारी, कई आपराधिक कांडों के आरोपियों को संरक्षण भी दिया। संजीव बालियान के दोस्त ने भेजा मानहानि का नोटिस, 10 करोड़ की मानहानि का संजीव खड़ू ने भेजा नोटिस। वहीं संगीत सोम के लेटर हेड पर जारी हुआ था आरोप पत्र। कहीं ना कहीं इन आरोपों के बाद संगीत सोम पर मानहानि का दावा किया गया है। जिस तरह से तमाम आरोप संगीत सोम ने अपने लेटर हेड पर लगाए हैं, उसके आधार पर संजीव बालियान के दोस्त संजीव खड़ू ने मानहानि का दावा किया है। बिजनौर के धामपुर इलाके में एक हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जहां उसने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, तो वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम ने हाथियों को आबादी वाले इलाके में घुसने से रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया है। ये एक हाथी जंगल से आ गया था, जो खूंखार हाथी है, और इसकी सूचना मैंने वन विभाग को सुबह 7:30 बजे दे दी गई। वन विभाग वहाँ पर मौजूद है, और ये भी बात बता दी गई थी कि कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लिए। इसमें हादसा हुआ है, ये जो मुर्सरी नाम का लड़का जो मारा गया है, ये अपने कोई चारा लेने के बकरियों के हिसाब से वहाँ पर गया था, और इस पर हाथी ने हमला करा और इसको जान से मार दिया। इनकी शादी हो गई, इनके दो बच्चे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से युवक घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरे बदमाश को हिरासत में लिया गया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी दो बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार दो अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया, और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई, और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया, और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया, और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एलडीको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है, एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर, तो अगली खबर में आगे बढ़ते हैं और इंडिया वॉइस में आगे बढ़ेंगे। खबर जौनपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद बादी फीडर की बिजली ठप हो गई। वहीं बिजली ना आने से लोगों का भीषण गर्मी में बुरा हाल हो चुका है। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब है, आग लगने से बिजली गुल होने की वजह से लोगों का गर्मी में बुरा हाल है। बता दें कि जौनपुर में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट, इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन भीषण गर्मी में लोगों को इस घटना के बाद हैरान परेशान होना पड़ा। जौनपुर में भीषण गर्मी में बिजली गुल होने से लोगों का बुरा हाल, अचानक शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग।
खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी स्थानीय लोगों ने दोनों भाइयों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। काम करो भैया, सूरज शनाब सीताराम जी, अच्छे शनाब सीताराम, इनको मृत अवस्था में सीएससी में शहर लाया गया 7:30 बजे 7:30 की एम्बुलेंस 108 से लाया गया, उसके बाद हमने पीआई भिजवा दिया। तो रायबरेली में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों भाइयों की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली की यह घटना बताई जा रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों ही युवकों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर बिजनौर से है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि बदमाश हथियारों के बल पर लाखों का सामान लूटकर फरार हो गए। जानकारी मिली है कि लूट का विरोध करने पर मकान मालिक के लड़के को गोली मारी गई। तभी परिजनों ने घायल लड़के को आनन फानन में इलाज के लिए हायर सेंटर में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र के सिपाहियों वाला गांव का बताया जा रहा है। गांव है लतीपुर सिपाहियों वाला, थाना सिवारा, जिला बिजनौर। रात हमारे यहाँ डकैती हुई है, जिसमें 5-6 आदमी थे। जब डकैती हुई तो पहले उन्होंने शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ने के बाद घर में बढ़े, घर में बढ़ने के बाद सारा सामान निकाला, और सामान निकालने के बाद जब लास्ट में आया तो हमारा भतीजा अचानक उठा और उठने के बाद देखा कि वो चोर घर से निकल रहे हैं। वो भाग कर आया, उन्होंने दो की गोली भरी। जब गोली भरी तो उसे लड़के को नीचे गिर लिया, गिर कर उसे गोली मारी, फिर चाकू मारे, और चाकू मारने के बाद वो घायल हो गया, बेहोश हो गया लड़का। हम उठे, हमने देखा, मैं चेता आ गया, देखा बाहर आ गया, देखा मंजर को कुछ और निकला, सारा सामान बिखरा हुआ है। कम से कम 75,000 रुपये घर पे रखे थे, जो आज किसी को उधार, किसी को देने थे, किसी से उधार लेते। शादी में हमने भतीजे की शादी करी थी हमने, और सारा जेवर कम से कम 7 लाख के आसपास का जेवर है वो ले गए। ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार का गठन हो गया। बीजेपी ने राज्य में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई है, और बुधवार को मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मांझी की कैबिनेट में 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही राज्य में 24 साल बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुआ है। बीजेपी को 147 सीटों में से 78 सीटें मिली। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो इस पद पर 24 साल और 98 दिन तक रहे। अब प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जहां मांझी मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी को बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ उनके नेतृत्व में पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको बधाई देता हूँ। ये भारतीय संस्कृति है, और मैं उड़ीसा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहली बार उड़ीसा में एक भव्य और बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है। उड़ीसा के सभी लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं। उड़ीसा के आम जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद दिया और हमें सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दी, मैं आभार व्यक्त करूंगा। मेरा कृतज्ञता रहेगा प्रभु जगन्नाथ जी के पास, जिनके आशीर्वाद के बिना ये असाध्य साध्य नहीं होता। मैं आभार प्रकट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व को, जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये आस्था प्रकट किया है। और ये पद नहीं, ये दायित्व है जो संकल्प पत्र में हम सब लिखे थे। उड़ीसा अस्मिता की विजय हुई है, उड़ीसा की विकास की पथ और बड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा की नागरिकों को निवेदन किया था, एक बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया जाए, हम राज्य को देश की एक नंबर राज्य बनाएंगे। महाप्रभु के आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व को मिला है। नए मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन मांझी जी ने आज अपने मंत्रिपरिषद का शपथ लिया है, उनको अनेक अनेक शुभेच्छा। मोदी जी के मार्गदर्शन में उड़ीसा को एक अव्वल नंबर राज्य बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। महाप्रभु के आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहेगा। उड़ीसा के लोगों को आभार प्रकट करती हूँ और मेरी जो आज प्राइम मिनिस्टर के सामने जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, डिग्नेटरीज भारतवर्ष के थे, सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं और महाप्रभु के आशीर्वाद से आज पहली कैबिनेट मीटिंग अभी होगी और इसमें सुभद्रा योजना की जो मोदी गारंटी है वो लागू होगी। उड़ीसा के बहन को, हर एक घर का महिलाओं को 50,000 रुपया का एक वाउचर मिलेगा, वो काम हम लोग करेंगे और आज जो कैबिनेट में डिसीजन होगा इस हिसाब से काम करेंगे हम। और प्राइम मिनिस्टर जो बोल के गए हैं, जो जो वादा वो किए थे, मोदी गारंटी में जो जो चीज आया था, एक एक करके हम सब चीज को लोगों को पास पहुंचाएंगे। उड़ीसा की जनता को जो प्रतिश्रुति भारतीय जनता पार्टी ने दिया है मोदी गारंटी के तहत, इसको पूरा करना है। इसीलिए जो पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको आज से शुरू कर रहा है काम। पहला कैबिनेट आज है, मैनिफेस्टो में जो हम लोग कमिटमेंट दिए थे उसको लेके आज से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और ये 5 साल पूरा समय हम लोग रेस्ट नहीं लेके, विश्राम नहीं लेके इसको आगे लेने के लिए और संपूर्ण विकसित उड़ीसा का जो सपना जो उड़ीसा के हर आदमी ने देखा है, उड़ीसा के हर माँ ने देखा है, उड़ीसा के हर फ्रैटर्निटी का लोग देखे हैं, उसको सामने लेने के लिए, आगे लेने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा उसको हम इकट्ठे करेंगे और उसको लेके चलेंगे। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को दोष दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। हमने पुलिस में शिकायत की है, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है टैंकर माफिया बढ़ा है, टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में बोला। हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है। अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है और दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। मैंने तो अधिकारियों से भी बैठक की और किसने इस प्रकार की चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि हिमाचल के छोड़ नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल हिंदुस्तान के कहीं भी पानी की जरूरत होगी, अगर हमारे पास पानी होगा हम सारा पानी देने को तैयार हैं। सर आप लीगल टीम से बात करेंगे? नहीं, लीगल नहीं, मैं तो ये पूछूंगा कि लीगल टीम ने कैसे दे दिया। जब एक बार समझौता हो जाता, बातचीत हुई है, मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, उनके सौरभ जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उससे भी बात हुई थी, हमने तो छोड़ दिया, हमने समझौता किया। अब दिल्ली और हिमाचल के बीच में हरियाणा आता है, मेन हरियाणा गवर्नमेंट को देखना है कि वो क्यों नहीं छोड़ रही। निश्चित ही देखिए, हम पानी के इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं और दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर व्यवस्था की लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं, जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को हर रोज 50 से 100 रुपए पानी के पीने की व्यवस्था करने के लिए उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेक्सस तो है
और उसकी तरफ हम पहले भी कहते रहे हैं, इसको इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो बहुत शुरू से ही कह रहे हैं, जब 2013 में 15 में आम आदमी पार्टी ने 350 पेज की केजरीवाल साहब एक चार्जशीट दिखाते थे शीला जी को लेकर के, और ये कहते थे कि हम सत्ता में आते ही इनके ऊपर FIR करेंगे, टैंकर माफिया है। आज उसी टैंकर माफिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, जितना पानी दिल्ली के लोगों को चाहिए उससे ज्यादा पानी दिल्ली को मिल रहा है। हरियाणा और यूपी भी जितना डेजिग्नेटेड वाटर है उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के लिए कहा कि आप 150 क्यूसेक पानी दिल्ली को दीजिए। पानी की कमी नहीं है, कमी है इनकी इच्छा शक्ति की, कमी है ईमानदारी की। इनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन प्लानिंग के कारण दिल्ली प्यासी है। After शराब घोटाला, today we are seeing water घोटाला by आम आदमी पार्टी। This is the water tanker mafia घोटाला that आम आदमी पार्टी is doing। Supreme Court has exposed them today, their propaganda, their drama। For 10 years they are in power, but instead of giving water to every household, they got शराब in every mohalla। And today you can see that the water supply from Haryana and Himachal, which is being blamed by आम आदमी पार्टी, the Supreme Court has said। यूपी की सियासत में जो चल रहा है उसे देखकर समझ आता है कि सीएम योगी को खुद पर यकीन भी है और हौसला बढ़ाने के लिए खुद की पार्टी के साथ विपक्ष है ना। देखिए रिपोर्ट। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर इस डायलॉग को बदल कर बोला जाए तो कहा जाएगा जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे योगी कहते हैं। जी हाँ, और ये बात कोई और नहीं खुद विपक्ष कह रहा है। और जिनकी तरफ से ये कहा गया है वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी हैं और बहुत ज्यादा घटी हैं, लेकिन जो सीटें आई हैं उसके पीछे सीएम योगी का जादू है जो यूपी में चल गया और ऐसा चला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने पर भी यूपी में एनडीए की 36 सीटें आ गईं और यूपी की सियासत के महायोद्धा योगी आदित्यनाथ बन गए और योगी से कर्म योगी भी आगे बढ़े। उससे पहले जरा अफजाल अंसारी का वो बयान सुनिए। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग न। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। सुना आपने, ये वो बयान है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की काट कर रहा है। अब अगर अफजाल अंसारी सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अफजाल अंसारी ने सीएम योगी को लेकर ये बड़ा बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती लोकप्रियता ये दिखाती है कि सिर्फ सरकार में नहीं विपक्ष भी उनका मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।